हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ छत पे और ये मनी प्लांट जो है हमारा बिल्कुल गर्मियों में छत पे एकदम पत्ते इसके झड़ गए थे। सिर्फ इसकी डहनियाँ डहनियाँ रह गई थी, कुछ कुछ दो चार पत्ते, 10 पत्ते ऐसे थे इस ब्रांच में। पर हफ्ते में 2 दिन ये देखिए छोटे छोटे से पत्ते अभी भी आ रहे हैं। तो हफ्ते में 2 दिन मैं थोड़े से पानी में दूध डाल के इन पर सावर करी और इनके पत्ते बहुत अच्छी तरीके से आ गए हैं। और कुछ बारिश का मौसम था इस वजह से और भी हरे भरे हो गए। तो गर्मियाँ इन्हें पसंद नहीं है, शेड धूप में रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पत्ते इधर जिधर मैं सावर अच्छे से दूध का करी हूँ, थोड़े से पानी में सिर्फ मात्र 1 से 2 चम्मच दूध मिला के देना होता है। हफ्ते में मैं 2 दिन दी हूँ और पत्ते बहुत घने, काफ़ी घने आए हैं, अच्छे भी लग रहे हैं देखे। काफ़ी वसी हो गया है हमारा पौधा। पर दिखा रही हूँ अभी कि जिधर मैं ये दीवार के तरफ जो इसके ब्रांच दबे हुए थे जिन पे पानी और दूध का सावर नहीं गया है उस पे पत्ते अच्छे नहीं आए। ये देखिए ये पीछे था कुछ एकदम इसी तरह से सारे पौधे हो गए थे, इस पे एक भी पत्ता नहीं था। इधर भी कुछ पड़े हुए हैं पीछे, तो उनको मैं निकाल रही हूँ और इन्हीं से जिनमें पत्ते नहीं हैं और कुछ पत्ते वाले निकाल के कुछ अलग पॉट में मैं इनको लगाऊंगी जिससे हमारे और भी पौधे इससे तैयार हो जाएं। इस टाइम जो है हम कट करके लगा लेंगे तो ज़्यादा उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार ये पकड़ता नहीं है, पानी में हमें कुछ दिनों के लिए डाल के रखना होता, जब इसके जड़ें आ जाएं तब मिट्टी में लगाते हैं। पर अभी हमें डायरेक्ट भी इसको लगा देंगे तो पकड़ लेता है, बारिश का मौसम है। तो कुछ लीव मैं इसमें से अपने अलग कर रही हूँ, जो ज़्यादा ब्रांच बड़ा हुआ है और नीचे लटका हुआ है इनको कट कर लेती हूँ। ये देखिए पत्ते कितने अच्छे अच्छे आए हैं सिर्फ हल्का सा दूध और पानी मिला के सावर करने से। तो हफ्ते में 2 दिन, वैसे तो 1 दिन भी करेंगे शुक्र शुक्रवार को तो अच्छा रहता है, पर मैं 2 दिन करती थी इस पे सावर और पत्ते बहुत घने आ गए हैं जिनमें पत्ते एकदम झड़ गए थे, पीला हो के एकदम से टूटना शुरू हो गया था। फिर जितने इसके पत्ते पीले हो गए थे उतने मैं सबको तोड़ के हटा दी थी। उसके बाद थोड़ी सी शेड एरिया में रखी और सावर करने लगी दूध का, तो काफ़ी घना हो गया है अभी। काफ़ी हद तक इसमें और भी इधर से छोटे छोटे पत्ते आ भी रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा मैं इसी में से कट करके और भी मनी प्लांट अलग करने वाली हूँ, अपने गमलों में लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से इधर लटके हुए हैं सारे, इनको हटाती हूँ। आज का दिन मैं अपने पौधों के लिए ही इस तरीके से कुछ लगाने लगी, इनके कुछ पत्ते खराब। यहाँ पे ली हूँ मैं मिट्टी, जिस पॉट में मिट्टी था उसको निकाल ली हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा घर में जो नारियल आता है उसी का सारा इसमें मिला के मिट्टी को हल्का कर दी, क्योंकि हैंगिंग वाला है हमारा पॉट तो इसमें भर ले रही हूँ। हमारे लिए जो बाहर से कोकोपीट तो हम खरीदते ही हैं, उतना ज़रूरी नहीं है। जो घर में नारियल आता है उसके सारे जो भूसी भूसी जैसा निकलता है ब्राउन ब्राउन भाग उसको सारा झाड़ लेना है, उसे भी हम मिट्टी में मिला देते हैं तो हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। और उससे मिट्टी भी हल्की होती है, उन्हें पोषण भी मिलता है और पौधे हमारे अच्छी तरीके से अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो मनी प्लांट हमारा पकड़ भी लेता है और पौधे के लिए अच्छा भी होता है। बहुत भूसी भूसी सा लगता है देखने में, तो जो नारियल का जो छिलका हम हटाते हैं उसको हम नहीं फेंके, उसको झाड़ लेना है अच्छी तरीके से, उसका चूरा जो रगड़ रगड़ के किसी चीज़ से झाड़ के रख लें और मिट्टी में मिला के हम पौधों में इस तरीके, खासकर मनी प्लांट के लिए वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे लगाने वाली हूँ मैं, इसमें एक नोट है जड़ थोड़ा सा है एक निकला हुआ है उसी को लगाऊंगी। इसमें मैं बिना पत्ते वाला जो है डहनियाँ जो निकाली हूँ ली उसको नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पत्ते ही धूप से हवा से पोषण खींचते हैं तो अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं जड़ें। और इसमें डायरेक्ट वैसा वाला डाल दूंगी तो नहीं पकड़ेगा, तो पत्ते वाले पहले जो खराब पत्ता है उसको कट करके हटा देती हूँ और 2 ब्रांच लगा रही हूँ इसमें और ये कुछ ही दिनों में पकड़ लेगा और काफ़ी घना हो जाएगा। तो साइड में थोड़ी सी मिट्टी और डालती हूँ ऊपर से। इसमें नारियल का जो है छिलका, जो नारियल हम छिले थे उसके छिलके को अच्छी तरीके से रगड़ के जितना ब्राउन भाग हल्का निकला मिट्टी में मिला दी हूँ। ये पॉट हमारा काफ़ी हल्का हो गया है। और कुछ डाल रही हूँ यहाँ पे पानी में, इनमें भी डालती हूँ दूध का सावर और देखती हूँ सबसे अच्छा रिजल्ट किसका आता है। इसमें तो कुछ ज़्यादा लगा रखी हूँ, 4 से 5 लीव हैं, घने हैं और इसमें जड़ें आ जाएंगी तो इन्हें भी मिट्टी में डालूंगी। तो इस तरीके से हम अपने